हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे जो कि हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद होगा, और बेसिकली ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल उन ट्रेडरों को होगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, बाज़ार में एक एनालिसिस होती है, मैक्सिमम लोग एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी आज यहाँ जाएगा, परसों वहाँ जाएगा, और इस हफ्ते की ये क्लोजिंग हो जाएगी तो इस मंथ में तेज़ी ही रहेगा, या इस मंथ में ये क्लोजिंग हो जाएगी और नीचे ही रहेगा। अक्सर इसकी बातें सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, तो लेकिन क्या इसको ट्रेडर से जो इंट्राडे ट्रेडर हैं क्या इनको बेनिफिट होता है, या कोई पोजिशनल ट्रेडर है उसको भी कोई बेनिफिट होता है इन बातों को? मुझे लगता है नहीं। अगर ऐसी बातें होती और ऐसी बातों से अगर बेनिफिट होता तो जो लोग इस तरीके के एनालिसिस करते हैं लाइक मी, मेरे को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आकर के यूट्यूब पे इस तरीके का बकवास नहीं करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंस हैं तो आप अभी अगले 5 मिनट में किस तरीके का ट्रेड होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मुझे सेल करना है अगले 1 महीने में या 1 हफ्ते में या कल या आज, ये हो सकता है। लेकिन उससे ये 5 मिनट अभी जो डिसीजन लेना है, इस 5 मिनट में क्या होगा और जो मैं ट्रेड लूँगा, अगर शाम को क्लोजिंग वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों की इंट्राडे ट्रेडर या कोई भी पोजिशनल ट्रेडर भी, मान लीजिए आप कोई स्टॉक खरीद के बैठे हैं और निफ्टी यहाँ से घूमने वाला है नीचे की तरफ, और आज अगर नीचे की तरफ क्लोज होगा तो मार्केट ख़राब हो जाएगा, तो आप किस बेस पर ट्रेड कीजिएगा? अगर सही क्लोज हुआ तो होल्ड करना चाहिए, तो आप किस बेस पे उससे निकलिएगा? आप तो बीच में लटके रह जाएंगे, आप ना बेच पाइएगा ना निकल पाइएगा। हो सकता है 3 दिन पहले जो स्टॉक खरीदे हैं, हो सकता है कि 3:30 बजे तक बाज़ार बंद होते होते उस स्टॉक का प्राइस वहीं पे खड़ा हो जाए, पहले सुबह प्रॉफिट हो रहा था और शाम तक उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाए। तो इस एनालिसिस से बेनिफिट क्या होता है? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता है। मैं भी इस तरीके की बातें करता हूँ, लेकिन आप जो मेरी स्टडी होती है, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि ये वाला प्राइस होगा तो ये टारगेट होगा। मुझे अभी क्या होगा, इस प्राइस पे क्या होगा, ये चीज़ें हर ट्रेडर को, हर इन्वेस्टर को, हर पोजिशनल ट्रेडर को ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होता है, उसी का स्टडी कराने की कोशिश की जाती है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। मेरी एनालिसिस, अगर लॉन्ग टर्म मैंने बोला है कि बाज़ार यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी में है, बहुत बड़ी मंदी में है, उन चीज़ों को अवॉइड करके आप ये जरूर वाच कीजिए कि अभी क्या होगा, अभी क्या करना चाहिए, ये वाला प्राइस होगा तो क्या होना चाहिए, तो इन सारे चीज़ों पर फोकस करें, न कि इधर उधर की बात सुने। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे आकर के लोग कमेंट करते हैं या बोला करते हैं कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बाज़ार में यहाँ से बड़ी गिरावट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं गलत बोल रहा हूँ और वो लोग भी गलत बोल रहे हैं कि यहाँ से रुक रुक के गिरेगी या रुक रुक के चढ़ेगा, ये सब बातें गलत है। बाज़ार में अभी आज बाज़ार खुलेगा तो अभी क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके 5 मिनट के बाद क्या करना है, उसके 1 घंटे के बाद क्या करना है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि बाज़ार रुक रुक के गिरेगी, वन वे नहीं फॉल करेगा, वन वे तेज़ी आएगी, इन सारे चीज़ों को अगर आपको पता है तो फिर आप मुझे बताने की कोशिश न करें, अच्छा होगा कि आप उसको अपने ट्रेड में यूज करें। मैंने इसलिए बोला है ये व्यू क्योंकि मेरे भी व्यू में ये सब चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करके आप उस चीज़ को पकड़िए जिसको इस चैनल के माध्यम से बोला जाता है कि ये स्टॉक का हाई बनेगा, ये स्टॉक का हाई बनेगा तो ये लो बनेगा, ये गिरावट आएगी। आज मैंने या कल के वीडियो में बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्री का 1180-85 के आसपास हाई बनेगा तो वहाँ से अच्छा खासा गिरावट आएगी। आपने देखा है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होने के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना नीचे ही क्लोज किया है, माइनस में ही क्लोज किया है, फ्लैट क्लोज किया है, लगभग 20 रुपये की गिरावट हुई है हायर लेवल से। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल होता है और ये बेसिकली ट्रेडर समझ नहीं पाते हैं, उनको जब सटीक लेवल दी जाती है, सटीक फार्मूला दी जाती है, फिर भी वो इस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अरे भाई, अभी 5 मिनट में क्या होगा उस पर जोर दीजिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, में इस माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बातों को बोलने का मकसद ये है
कि आप पॉइंट पे बात कीजिए, पॉइंट को सुनिए, पॉइंट को कैचअप कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये चीज़ें बातें, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रमोट करें, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे सटीक फार्मूला और सटीक एनालिसिस और सटीक लेवल लेकर के आता रहूँगा और आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।